आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो बात करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैसे तो कई एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ हमारे इस कोर्स में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो एप्लीकेशंस हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो है वो फोटोकॉपियर या जीरोग्राफर के बारे में पढ़ा था। आज हम इंक जेट प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको इस स्क्रीन के ऊपर एक इंक जेट प्रिंटर दिखाया जा रहा है। अगर हम इंक जेट प्रिंटर को पढ़ना चाहते हैं तो पहले हम जो है वो प्रिंटर की दो टाइप्स का तारुफ जो है वो देख लें, उसके बाद हम जो है वो प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर की वैसे तो कई टाइप्स हैं, लेकिन दो जो मेन टाइप्स हैं उनमें एक इंक जेट प्रिंटर है और दूसरा प्रिंटर जो है वो है लेज़र जेट प्रिंटर। इन दोनों में जो फ़र्क है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इंक जेट प्रिंटर में स्याही इस्तेमाल होती है, यानी कि लिक्विड इस्तेमाल होता है, जबकि लेज़र जेट प्रिंटर बिल्कुल फोटोकॉपियर की तरह होता है। इसमें टोनर इस्तेमाल होता है, और आपने फोटोकॉपी वाली जो है वो टॉपिक में देखा था, फोटोकॉपी मशीन के टॉपिक में, कि टोनर एक सॉलिड होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो है वो ये ड्राई राइटिंग करता है, सॉलिड को जो है वो पेपर के ऊपर पेस्ट करता है, और इंक जेट प्रिंटर जो है वो एक स्याही को जो है वो पेपर के ऊपर पेस्ट करता है। अगर स्पीड की बात की जाए तो इंक जेट प्रिंटर बहुत स्लो प्रिंटिंग करता है, जबकि लेज़र जेट प्रिंटर बहुत तेज़ जो है वो प्रिंटिंग करता है। इसलिए अगर आपने बहुत ज़्यादा पेजेस जो है वो कॉपी करने प्रिंट करने हैं तो आप लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ करें, इंक जेट प्रिंटर यूज़ ना करें। इंक जेट प्रिंटर ज़्यादातर जो है वो फ़ोटोग्राफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने जो है वो फ़ोटो स्टूडियोज़ में ये प्रिंटर देखा होगा। ये फ़ोटोग्राफ्स के लिए इस वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि इंक जेट प्रिंटर जो है ये कलर मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी कर सकता है, क्योंकि लिक्विड जो इंक है उसकी कलर मिक्सिंग ईजी होती है बनिस्बत सॉलिड टूनर के। तो ये एक छोटा सा जो है वो डिफरेंस था, इंक जेट प्रिंटर क्या होता है और लेज़र जेट प्रिंटर क्या होता है। अब हम जो है वो चलते हैं अपने टॉपिक को समझते हैं कि इंक जेट प्रिंटर कैसे काम करता है। लेज़र जेट प्रिंटर तो बिल्कुल फोटोकॉपियर की तरह ही काम करता है, वो हमने फोटोकॉपी मशीन का बेसिक प्रिंसिपल देख लिया है। डिटेल से तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ये जस्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस में आ रहा है टॉपिक, तो हम जस्ट जो है वो सिंपल इनका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। चलते हैं इंक जेट जो है वो प्रिंटर के ऊपर। एक इंक जेट प्रिंटर की यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बनी हुई है। स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब है कि इसमें जस्ट स्टेप्स दिखाए जाते हैं कि एक जो है वो इंक जेट प्रिंटर में क्या क्या होता है, लेकिन फुल जो है उस टॉपिक को कवर नहीं किया जाता। तो चलते हैं जी इंक जेट प्रिंटर के इस टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि ये जो है वो डायग्राम आपको ठीक से नज़र आ जाए। ये जो है वो मेरे पास एक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम। सबसे पहले जाहिर सी बात है कि इंक जेट प्रिंटर में आपने स्याही डाली होगी, तो स्याही की जो है वो सप्लाई यहाँ पे पड़ी होगी, जो इसकी स्याही वाला जो है वो कैबिनेट है उसमें स्याही या इंक होगी, जिस भी कलर की जो है वो इंक्स आप इसमें जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस इंक को हमने पेपर तक पहुँचाना है, ये पेपर है तो प्रिंटर की ये इंक है, और हम इस इंक को पेपर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो भाई बड़ा ही सादा सा है, आप सारी की सारी इंक जो है वो पेपर के ऊपर गिरा दो, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है ऐसा करने से पेपर के ऊपर लिखा नहीं जाएगा, स्याही तो गिर जाएगी, रंग लग जाएगा। हमने उसे लिखना है। कैसा लिखना है? बिल्कुल वैसा जैसा ये आपकी बुक पेपर पे, ये जो आपकी बुक जो है वो कंप्यूटर में लिखी नज़र आ रही है, हमने बिल्कुल इसी के अक्स को इस पेपर पे लिखना है, इसी को प्रिंटिंग कहते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्याही को खींचेंगे, जिस तरह पानी को खींचने के लिए पंप इस्तेमाल होता है, इस तरह स्याही को खींचने के लिए भी यहाँ पे इंक पंप यूज़ होता है, जो कि स्याही को खींचता है और इस वाले कैबिनेट में ले आता है। इस कैबिनेट के आगे एक बहुत ही बारीक नोज़ल लगी होती है, ये नोज़ल का वर्ड आपकी बुक में यूज़ हुआ है। नोज़ल का मतलब होता है बहुत ही जो है वो बारीक जो है वो दहाना या नाक, नाक कह लें, नोज़ल नाक को कहते हैं। एक बारीक सुराख है, बारीक नाक है, इसमें इतना बारीक है कि इसमें से स्याही बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आएगी, बहुत थोड़ी थोड़ी करके फवार की शक्ल में जो है, ये एक शॉवर है और ये फवार मारता है स्याही की, बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है वो स्याही के, बहुत हल्के ड्रॉप्स जो है वो, उनकी एक जो है वो धारी यहाँ से बना के इधर फेंकना चाहता है। अब ये नोज़ल चाहता है कि जितनी भी स्याही आई है वो सारी पेपर पर गिर जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि सारी स्याही पेपर पे ना गिरे। तो कितनी स्याही पेपर पे गिरे, इस चीज़ का फ़ैसला करने के लिए दरमियान में दो जो है वो चीज़ें लगी हुई हैं, एक का नाम है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और दूसरे का नाम है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। सबसे पहले चार्जिंग इलेक्ट्रोड की बात कर लें। इलेक्ट्रोड हर उस चीज़ को कहते हैं जिस पे मस्बत या मनफी चार्ज हो, ये बात आपने याद रखनी है। आपकी बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पे जो है वो
मस्बत चार्ज होता है उसे एनोड कहते हैं, और एक पे जो है वो मनफी चार्ज उसे कैथोड कहते हैं। ये तो थी बैटरी की बात। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उस पे एक ही किस्म का चार्ज होता है। अब देखें ज़रा, और ये जो इलेक्ट्रोड, और दूसरा है यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ना। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? मोड़ना। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो है वो यानी कि मोड़ने वाली प्लेट। किस स्याही को मोड़ेंगे और किस स्याही को जो है वो पेपर पे गिराएंगे, इसका फैसला ये कंप्यूटर करेगा। भी ज़ाहरी सी बात है कि जो स्याही, जो लफ्ज़ हम लिखना चाहते हैं उस वाले ड्रॉप को हम पेपर पे मारेंगे और बाकी के ड्रॉप्स को जो है वो हम गटर में फेंक देंगे। गटर का मतलब होता है ऐसी नाली जिसमें हमने फालतू चीज़ें फेंकनी हो, जैसे आपके गलियों में गटर होते हैं, इसी तरह पर नाला आपका जो ऊपर गटर होता है। तो ये तो थे इसके कंपोनेंट्स, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इंक सप्लाई, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है पंप, उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो है वो नोज़ल। प्रिंट हेड, प्रिंट हेड का मतलब है लिखने वाला, ये बात याद रख लें। प्रिंट हेड का क्या मतलब है? लिखने वाला। तो ये प्रिंट हेड जो है वो इतना फासला नहीं होता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है वो एक बड़ा सारा ये बनाया गया है डायग्राम को। तो ये नोज़ल प्रिंट जेट जो है वो सीधा आप देखें पेपर के ऊपर है, ये नोज़ल प्रिंट जेट है, ठीक है। ये इसका काम क्या है? ये स्याही की जो है वो एक धारी को पेपर पे फेंकेगा। अब इस धारी, ये धारी आती है यहाँ पे स्याही की चार्जिंग इलेक्ट्रोड में। चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कंप्यूटर के साथ लगाया होता है। कंप्यूटर का कंट्रोल या दिमाग इसको ये बताता है कि जिन जो हमारे पास स्याही के ज़र्रात, उनको हमने पेपर पे नहीं लिखना। ये कंप्यूटर का जो कंट्रोलिंग चैम्बर है ये उसको चार्ज कर देगा। याद रख लें, जिन जिन ज़र्रात को हमने पेपर पे नहीं लिखना, कंप्यूटर का कंट्रोल उनको चार्ज कर देगा, ठीक है। और जिन ज़र्रात को हमने पेपर पे लिखना है उनको कंप्यूटर का कंट्रोल चार्ज नहीं करेगा। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? अब ये यहाँ पे जो स्ट्रीम है इसमें दो तरह के ज़र्रात हैं, एक वो ज़र्रात जिसको कंप्यूटर ने चार्ज कर दिया था और एक वो ज़र्रात जिसको कंप्यूटर ने चार्ज नहीं किया था। अब ये दो तरह के ज़र्रात यहाँ पहुँचे, यहाँ पे लगी हुई हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होती हैं? एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये फ़र्ज़ किया कि दो ज़र्रे हैं, इस एक ज़र्रे पे चार्ज नहीं है और इस वाले ज़र्रे पे चार्ज है, तो क्या होगा? जिस ज़र्रे पे चार्ज नहीं है उसको ये प्लेटें कुछ नहीं कह सकेंगी, वो ज़र्रा सीधा जाके पेपर पे टकराएगा और वो हिस्सा पेपर पे लिखा जाएगा। जिस ज़र्रे को हम लिखना नहीं चाहते उस पे हमने चार्ज कर दिया था, तो ये इस ज़र्रे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को इधर को धकेलेगी और नेगेटिव प्लेट इस चार्ज को खींचेगी। तो नतीजा क्या होगा? ये चार्ज पेपर पे जाना तो चाहेगा क्योंकि नोज़ल ने सारे चार्जेस को पेपर के ऊपर फेंका था, लेकिन ये पेपर के ऊपर जाना चाहेगा लेकिन ये पेपर के ऊपर जा नहीं सकेगा और इस तरह मोड़ काटता हुआ गटर में गिर जाएगा। तो पेपर पे कौन से चार्जेस पहुंचेंगे? वही चार्जेस जिनके ऊपर हमने चार्ज, वही ज़र्रात पहुंचेंगे पेपर पे जिन पे हमने चार्ज नहीं किया था। तो इस तरीके से वो ज़र्रात जो हमने लिखने होते हैं वो पेपर पे पहुंच जाते हैं, बाकी की स्याही अलग हो जाती है। तो बिल्कुल एक जो है वो फ़ाइन किस्म का जो इमेज है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये वो उसूल है जिस उसूल के ऊपर एक इंक जेट प्रिंटर काम करता है। जेट से मुराद है धारी, यानी कि एक नोज़ल के अंदर से धारी। फिर से इसके कंपोनेंट्स को देख लें। इंक सप्लाई, ये वो इलाका है, वो कैबिनेट है, वो यूनिट है जहाँ पे इंक भरी जाती है, स्याही भरी जाती है। उसके बाद पंप है जो स्याही को खींचता है। उसके बाद जो है प्रिंट हेड नोज़ल है, प्रिंट हेड लिखने वाला, ये लिखने वाला नोज़ल है, यानी कि इसने स्याही मारनी है पेपर के ऊपर। आपकी बुक में लिखा है कि ये प्रिंट हेड नोज़ल जो है वो ये शटल करता है, शटलिंग करता है पेपर के ऊपर। शटलिंग का मतलब समझ लें, शटल का मतलब होता है आगे पीछे जाना, यानी कि एक छोटी सी जगह के गिर्द बार बार चक्कर लगाना। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपकी शटल बस है, यूनिवर्सिटी से बस स्टॉप तक जाती है, फिर वहाँ से स्टूडेंट्स को लेकर फिर यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को लेकर उसी बस स्टॉप तक। तो दो नुकात के दरमियान आगे पीछे हरकत करने वाली चीज़ को कहते हैं शटल बस या शटल। ये भी इस तरह ही है, ये जो है वो आगे पीछे हरकत करता रहता है पेपर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं बनाया, ये सिंपल डायग्राम है, लेकिन ये जो प्रिंट हेड है ये पेपर के ऊपर शटलिंग करता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो अब हमने जो है वो ये देख लिया कि ये नोज़ल प्रिंट हेड लिखने वाला, प्रिंट हेड का मतलब याद रख लें ये लिखने वाला है।
अब नोजल प्रिंट हेड सारी लिखाई को पेपर पे फेंकना चाहता था, लेकिन जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने कुछ पार्टिकल्स को चार्ज कर दिया और कुछ को चार्ज नहीं किया। जिन पार्टिकल्स को हम पेपर तक नहीं पहुंचाना चाहते उनको चार्ज कर दिया, और जिनको पेपर तक पहुंचाना चाहते हैं उनको चार्ज नहीं किया। तो अब जो है वो ये जो पार्टिकल्स पेपर पे हम नहीं लिखना चाहते थे वो गटर में गिर गए, क्योंकि वो चार्ज थे और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव प्लेट ने चार्ज वाले को इधर को धक्का दिया तो वो जो है वो गटर में गिर गया, और नेगेटिव प्लेट ने उसको खींचा तो मोड़ तो काटेगा चार्ज और मोड़ता हुआ वो गटर में जा गिरेगा। तो ये तो थी आपकी इंक जेट प्रिंटर के बारे में कि एक इंक जेट प्रिंटर कैसे काम करता है। अब हम जो है वो देखते हैं आप, अब आइंदा से हम जो है वो ला जो आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर जो मुश्किल अल्फाज होंगे बुक में उनको मैं अलग से इस तरह पेज पे लिख के और वो भी आपको जो है वो बताया करूँगा कि किसका क्या मतलब है। तो प्रिंटर की टाइप्स हमने देख ली हैं, लेज़र जेट प्रिंटर क्या होता है और इंक जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर जो है वो सॉलिड पाउडर इस्तेमाल होता है और इंक जेट में लिक्विड जो है इंक इस्तेमाल होती है। शटलिंग, शटलिंग का मतलब है आगे पीछे हरकत करना, जो मैंने अभी बताया शटल बस जैसे होती है कि छोटी सी जगह पे छोटे से फासले के दरमियान बार बार चक्कर लगाना उसे शटल कहते हैं। तो शटल के लिए शटल बस भी होती है, रैकेट शटल जो आप खेलते हैं, शटल कभी उधर जाती है कभी इधर आती है, तो ये भी शटल। स्ट्रीम का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, स्ट्रीम का मतलब धारी, यानी कि जो आपका नोज़ल है, जो आपका नोज़ल प्रिंट हेड है वो एक धारी जो है वो स्याही की भेजता है। इस तरह नोज़ल का मतलब लिखा है नाक या दहाना या बहुत ही कम बारीक सुराख। ड्रॉप और ड्रॉपलेट का एक ही मतलब है कतरा। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहते हैं बरकीरे को, मैंने यहाँ पे बरकीरा नहीं लिखा लेकिन इलेक्ट्रोड आप याद रख लें, कोई भी ऐसी पतरी जिस पर चार्ज हो। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और ऐसी पतरी जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ये भी आपने पहले शायद पढ़ा होगा, 9th क्लास केमिस्ट्री में इसका जिक्र है। उसके बाद हम चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। ये कैपेसिटर का वर्ड भी आपके इस टॉपिक में यूज़ हुआ है। कैपेसिटर याद रखें, दो कंडक्टर्स, अगर हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स मूसल की दो प्लेटें लें जिसमें से बिजली गुजर सकती है और उनके दरमियान में एक सब्ज़ रंग का गैर मूसल लगा दें, ये गैर मूसल हवा भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कोई भी गैर मूसल। तो अगर हम जो है वो दो प्लेटें लें उनको पैरेलल में लगाएं और उनके दरमियान में जो है वो एक गैर मूसल लगा दें तो समझ लें कि ये एक कैपेसिटर बन गया है। ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेटें पैरेलल हों उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर इस्तेमाल किस लिए होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। आपने फर्स्ट ईयर के 16 यूनिट में कैपेसिटर के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा लेकिन मैंने फिर से इसे रिपीट कर दिया है। यहाँ मैंने लिखा है कि एयर भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड का जिक्र हमने देखा था कि स्याही के जो ज़र्रात हम पेपर तक नहीं पहुंचाना चाहते हमने उनको चार्ज करना होता है, तो वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड उन ज़र्रात को चार्ज करता है। इसी तरह प्रिंट हेड का मतलब बताया लिखने वाला, गटर का मतलब फालतू चीज़ों की नाली, और बैटरी का जो है वो यहाँ पे मैंने बैटरी बनाई है कि बैटरी के पास दो जो है वो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहते हैं और एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड जिसे जो है वो कैथोड कहते हैं। तो आज हमने जो है वो इंक जेट प्रिंटर के बारे में पढ़ा है कि इंक जेट प्रिंटर जो है वो कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी आपका सवाल है तो मैं हाज़िर हूँ, आप अपने सवाल जो है वो नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसा करने से हमारी हौसला अफज़ाई होती है। मैं देख रहा हूँ कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, तो आप जो है वो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। अब अगले टॉपिक के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, टॉपिक नंबर 12.5 में। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।